हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कैनिज़ारो रिएक्शन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हम इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। बीएससी में 7.5 नंबर में दो रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसे हम इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है? तो बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका एल्डिहाइड और कीटोन, उस चैप्टर से आपको ये रिएक्शंस मिलेगा, कैनिज़ारो रिएक्शंस, ठीक है। तो इस रिएक्शंस बेसिकली होता क्या है, ये रिएक्शंस है एल्डिहाइड की, और किस तरह के एल्डिहाइड की, मतलब एल्डिहाइड जो आप ले रहे हैं उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका अल्फा हाइड्रोजन का क्या चक्कर है, देखिए, जैसे ये हमारे पास CH3, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH2, और ये मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इसके रेस्पेक्ट में चले तो ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ठीक है, और एंड देन उसके जस्ट उसके बराबर वाला होगा बीटा कार्बन, ठीक। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर CH2 करके यहाँ पर CH3 लेते तो थर्ड वाला होता डेल्टा, उसी के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से ये कार्बन होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है इस रिएक्शंस की, तो जो भी आप एल्डिहाइड लेते हो उसमें अल्फा का हाइड्रोजन जो है वो अब्सेंट होना चाहिए। तो अगर ये एक अल्फा कार्बन है तो इस अल्फा कार्बन से जुड़े जो दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस तरह से होंगे, इस तरह से, इसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, जो कि अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की अगर कंडीशन हुई तो ये जो एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड कभी भी रिएक्शंस शो नहीं करेगा, कैनिज़ारो रिएक्शंस को शो नहीं करेगा, ये इसकी कंडीशंस है। अब इसको शो कौन करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें अल्फा कार्बन जो है वो अब्सेंट होता है, अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। मेन कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिस जो भी आप एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हो। और इस रिएक्शंस में अब यहाँ पर हम पार्टिसिपेट कराएंगे, यहाँ पर रिएक्शंस कराएंगे इस मॉलिक्यूल की, फॉर्मेल्डिहाइड की हम सहायता लेंगे इस मॉलिक्यूल को खत्म करने के लिए। और इसके बाद अगर हम बेंजीन की बात कर ले, जैसे हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, हम ले लेते हैं बेंजाल्डिहाइड। अब बताइए आप इसमें क्या अल्फा कार्बन प्रेजेंट है या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? इसमें अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये जुड़ा है किससे, इस कार्बन से, जो कि बेंजीन की इस कंडीशन में है, ठीक है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इसमें जस्ट अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड ये मॉलिक्यूल को, ये मतलब इस रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी जो है कंप्लीट आपको दिखाई दे रहे हैं इस बेंजीन में। हाँ, इसके इस जस्ट इस वाले कार्बन पर तो प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, बट इस पर अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो कंडीशन फाइनली ये है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बस। अब इस रिएक्शंस में होता क्या है, तो इस रिएक्शंस में हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड के, डजंट मैटर कि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं या एलिफेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, आप सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं या अलग अलग एलिफेटिक और एरोमेटिक ले रहे हैं, इसमें से एक मॉलिक्यूल का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का हो जाता है रिडक्शन। और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस कराई जाती है, ये कराई जाती है किसी एल्कली की प्रेजेंस में, जो कि 50% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो कंसंट्रेटेड एल्कली लेनी होगी आपको, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन सेकेंड ले सकते हैं आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन और एक मॉलिक्यूल का हो जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको लेकर के दिखा देता हूं, जैसे हमने ले लिया यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इस रिएक्शन को, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकता था, मैंने दो मॉलिक्यूल दिखाए आपको एल्डिहाइड के, जबकि मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता था, जैसे मैं यहाँ पर दो लिख करके HCHO, बात खत्म, इस तरह से भी लिख सकता, लेकिन रिएक्शंस को हमें अच्छी तरह से आसानी से समझना है। तो मैंने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपको दिखाए और मैं यहाँ पर एल्कली भी ले लेता हूँ, और एल्कली कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ये मैं आप बात आपको तब बताऊंगा
चाहे आप NOH ले ले, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले ले, लेकिन आपको कंसंट्रेटेड लेना होगा। और क्यों कंसंट्रेटेड ही लेना होगा ये मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक का जब होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर बनता है HCOO। अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम, ठीक है, इसे हम बोल देंगे सोडियम फॉर्मेट। एंड देन सेकंड आपको मिलेगा जब इसका रिडक्शन हो जाएगा, तब आपको यहां पर मिलेगा CH। यहां पर दो हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है, एक और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाता है, तीन, और यहां पर OH, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपको मिलेगा अल्कोहल, जो ये कौन सा अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी आपको मिल गया, जिसे हम सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं, एंड सेकंड आपको मिल गया मिथाइल अल्कोहल, या फिर आप डायरेक्टली अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इस रिएक्शन में। तो मान लिया हमने कि इसका इस मॉलिक्यूल का हो गया ऑक्सीडेशन और इस मॉलिक्यूल का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम बोलते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन एटम था, ऐड होकर के दो ऑक्सीजन एटम हो गए, तो इसका मतलब मैंने कह दिया कि इसमें होता है ऑक्सीडेशन। और इस मॉलिक्यूल में अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का कंसेप्ट यह है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम रिमूव हो रहा है, तब हम वहां पर बोलेंगे कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तब हम उसे बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट साथ साथ बनता है, रिएक्शन भी होती है, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन देखिए रेड से मिला, यहां पर रिडक्शन से मिला रेड एंड ऑक्सीडेशन से मिला ऑक्स, तो ये बोल गया रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, जब किसी मॉलिक्यूल में एक ही तरह के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो यहां पर ये भी नोट कर लेंगे कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझ लिया, आपको क्या क्या कंडीशन बताया मैंने, कि जो भी मॉलिक्यूल ले उसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। तो यहां पर लिख कर चले, नोट बनाकर चले कि अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड उस रिएक्शन है कि उसमें जो भी आप वहां पर एल्कली लेते हैं वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, चाहे आप वहां पर सोडियम ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, या फिर आप वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले, 50% होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ये भी लिख लें 50%। सो अब यहां पर हमने ये भी देख लिया, अब यहां पर कैनिजारो रिएक्शंस कितनी टाइप की हो सकती है। ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है ये जॉइंट में मिलता है, कभी कभी ऐसे आता है कि अलग अलग भी होता है। तो इस बेस पर कैनिजारो रिएक्शंस थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, और एक होता है क्रोज्ड कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। क्रोज्ड कैनिजारो रिएक्शंस एंड फर्स्ट हो गया कौन सा, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शंस, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, एंड थर्ड क्रोज्ड कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, इंटरमोलिकुलर कहां पर होगा, जहां पर आपको ये जो देख रहे हैं यहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है, और ये इस तरह से एक तरह का क्या होगा, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। और इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है, वो होता है CHO, जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों के दोनों, और ये आपस में जॉइंट है। इसका अगर हम यहाँ पर एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एल्कली प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर, वो भी कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर वाले का हो जाएगा, यहाँ पर हम सपोज दैट कि यहाँ पर ऊपर वाले का हो गया ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का हो गया यहाँ पर रिडक्शन। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट तो सेम प्राप्त होगा कि यहाँ पर किसी वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल गया, एंड सेकंड आपको अल्कोहल मिल गया,
लेकिन इस रिएक्शन में जिसमें जॉइंट है आपस में, इसे बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर, और ये है इंटरमोलिक्यूलर। और क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शंस क्या है ये भी आप समझ लें, क्योंकि ये जो एक बेसिक नॉलेज है, मैंने आपको कैनिजारो रिएक्शंस पढ़ाया, ठीक, आपको कहीं सुनने में आया कि क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शंस एग्जाम पेपर में आ गया, या फिर कहीं से भी आपने सुना, किसी स्टूडेंट के मुंह से सुना, तो अब आप वहां पर कहेंगे ये तो यार हमने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप एक्साइटेड ना हो, अगर आपके सामने कोई इस तरह की रिएक्शन आ जाए तो आप उसे देखकर एक्साइटेड ना हो। जैसे ये मैं ले लेता हूँ CH2, और सॉरी यहाँ पर मैं एल्डिहाइड ग्रुप ले लेता हूँ, ये क्या है बेंजाल्डिहाइड, और ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अच्छा, इसमें से अब जब हम इस तरह की रिएक्शन, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा, अच्छा यहाँ पर जो आप कंडीशन देख रहे हो, इसमें जस्ट इससे इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो क्या ये अल्फा कार्बन प्रेजेंट है? जी नहीं, ये आपका ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है, इसे हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये भी कंडीशन है, कभी यहाँ पर आप कमेंट में कहो कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखो, ये बेंजाल्डिहाइड है और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों के दोनों एल्डिहाइड है और दोनों के दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो ये दोनों रिएक्शन तो शो करेंगे। सो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो इस रिएक्शंस को हम बोलेंगे क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शंस। बस सिंपल है कि एक में एल्डिहाइड हमने एलिफेटिक ले लिया और एक में एरोमेटिक ले लिया। अब इसमें एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाएगा रिडक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पर एलिफेटिक जो होता है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और सेकेंड यहाँ पर इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो ये बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा और ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड और उसका सॉल्ट बना लेगा। अगर आप जो भी जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो पोटेशियम फॉर्मेट बना लेगा, ठीक है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दिया इस रिएक्शन की। तो ये थ्री टाइप से होती है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शन, मतलब ये तीन प्रकार की रिएक्शन होती है, इतना मैंने बताया। और दो कंडीशंस भी आपको बताया कि इसमें जो अभी आप एल्डिहाइड ले रहे हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और एल्कली आपको कंसंट्रेटेड लेना होगा। और यहाँ पर दो बातें और बताई कि इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं और इसे हम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस भी बोलते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। और जब एक रिएक्शन, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, डजंट मैटर कि वो एक मॉलिक्यूल के साथ हो रही है, दो मॉलिक्यूल के साथ हो रही है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताया, चलिए डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। और मैकेनिज्म इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बड़ी ध्यान से समझना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये टू स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही स्मॉल रिएक्शन है बट आपको बड़ी ध्यान से समझना होता है, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी एल्डिहाइड ले उसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहाँ पर मुझसे एक स्पीकिंग मिस्टेक हो गया था, बोलते वक्त मिस्टेक हो गया था कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इतनी बात ध्यान रखें, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप जो भी एल्डिहाइड लें उसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए और जो भी एल्कली लें वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अब आपको सब कुछ रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म देखिए स्टार्टिंग कहां से होती है, हमने आपको याद हो तो हमने क्या लिया था, दो मॉलिक्यूल लिए थे एल्डिहाइड के, ठीक है, और साथ में लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप जो भी लेंगे वो के प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक होगा, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वो एन ए प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक होगा, इस तरह से आयनाइज होकर के वो ओ एच माइनस देगा, ठीक है, बेसिकली वो ओ एच माइनस डेफिनेटली देगा, चाहे वो पोटेशियम हो चाहे वो सोडियम हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये जो OH- होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को प्यार करते हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, अगर आप किसी भी ऑक्सीजन, जैसे एक बात और बता देता हूँ, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में आपको हेल्प करेगी कि जब भी हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच बॉन्ड बना है, ठीक है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और कितने बॉन्ड है, तो कोवेलेंट, दो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग होती है, लेकिन प्यारे दोस्तों जब शेयरिंग हो जाती है तो इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि ऑक्सीजन है, तो इसकी तरफ ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके क्लाउड सबसे ज्यादा इधर की तरफ खींचे रहते हैं ऑक्सीजन की तरफ,
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण इस पर हल्का सा पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर हल्का सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि बॉन्ड तो जरूर बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर खींचे चले जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन मतलब अपनी इस पूरी तरह से खींचने का पूरा प्रयास करता है इस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बोलता है इतनी जगह मेरी है, बस इसके ज्यादा और कोई नहीं जा सकता, बस इतनी जगह मतलब मेरी है, मतलब मेरी है, चाहे वो उसे उतनी जगह की जरूरत भी ना हो, वो घेर कर रखता है कि इतनी जगह मेरी है। ठीक, ऑक्सीजन भी ठीक वैसा ही कार्य करता है। इसमें बॉन्ड भले ही बना हो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग भले ही बना हो, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरह से खींचता है, ठीक है, इसलिए इस पर आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इस ऑक्सीजन पर आया है पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर आया है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देख करके ये OH माइनस तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है और तुरंत एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। और ये कार्बन पर जैसे ही अटैक करेगा तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पर कार्बन की कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और ये बॉन्ड ये OH माइनस के साथ जोड़ लेगा। तो 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो तुरंत कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? अच्छा ये बताइए, देखिए ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहां पर होता है? जहां डबल बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड कहां पर होता है? जहां सिंगल बॉन्ड हो। और पाई बॉन्ड हमेशा कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड से। ये मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और कई रिएक्शन मैकेनिज्म में समझा चुका हूं, ठीक है। तो तुरंत क्या होगा? ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तुरंत कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यहां पर आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो सेम ऐसा है, यहां पर सेम कर लेंगे सब कुछ। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं इस पर ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज और ये OH आकर के जुड़ जाता है, ठीक। तो अब यहां पर 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो चार्ज कहां पर है? ऑक्सीजन पर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एनायन। एक इंटरमीडिएट एनायन बनता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन एनायन। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको पता लगेगा कि हमने कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया था। देखिए अगर यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है, अब हम उसे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे। एक तो लिया था हमने एल्डिहाइड वाला, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन यहाँ पर जो OH माइनस है इसका अटैक करवा दिया इसके न्यूक्लियस पर, मतलब इसके कार्बन पर। अब हम दूसरे वाला फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा भाई, यहाँ पर भी होगा माइनस चार्ज पार्शली और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर होगा ये कि ये जो पूरा इंटरमीडिएट है इस पर माइनस चार्ज है। तो अगर सपोज दैट कि भाई ये जो ऑक्सीजन माइनस है ये अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करे और ये जाकर के इसमें एडिशन रिएक्शन शो करके जो कंपाउंड बना ले कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो होगा क्या कि वो जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो OH माइनस आपको दिखाई दे रहा है ये निकल ले यहाँ से, ये इस कार्बन को छोड़ करके निकल जाए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है बैकवर्ड में चली जाएगी, मतलब सेम वही प्रोडक्ट बनेगा। ये OH माइनस निकल जाएगा और यहाँ पर तुरंत एक इलेक्ट्रॉन फ्री और यहाँ पर दोबारा से बॉन्ड बन जाएगा और दोबारा से फॉर्मेल्डिहाइड तैयार आपका। तो ऐसी कंडीशन में ये OH माइनस ना निकले तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर? कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पता लग गया आपको क्यों हम लेते हैं कंसंट्रेटेड, ताकि ये OH माइनस यहाँ से ना निकले, उसे दृढ़ता से पकड़ के रखे। अब कंडीशन क्या आती है, ना तो ये ऑक्सीजन एनायन की तरह यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, ना यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है। तो कंडीशन क्या आएगी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है एच हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड आयन की तरह वर्क करेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि ये जिस जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन चला जाएगा और ये हाइड्राइड आयन की तरह तुरंत, जब इस पर किसी हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब ये हाइड्राइड आयन बन गया और ये तुरंत अटैक करेगा हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है पार्शली। अब ये इस कार्बन को क्या बोलोगे आप? कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों कार्बोनाइल कार्बन से डेरिवेट हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब होगा क्या, मैंने आपको बताया कि जैसे ये H- है ये अटैक कर देगा इस कार्बन पर, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी, ये तुरंत आपस में बना लेंगे बॉन्ड और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको पता चल गई। ये हाइड्राइड आयन जैसे इस पर अटैच होगा,
इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांस आयन ट्रांसफर, या फिर आप हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन भी ये कहलाता है। अब यहाँ पर ये बनता है एसिड। अब ये एसिड कैसे बना, देखिए सबसे पहले बड़ी ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो गया एसिड में। कैसे हुआ, देखो ये ऑक्सीजन है, इस पर ये जो प्लस और माइनस आने के कारण ऊपर तो बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और ये OH इस तरह से जुड़ गए। ये हाइड्राइड आयन निकल करके इसके साथ जुड़ जाता है दूसरे वाले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है CH3OH, ठीक, अब ये H, अब देखिए उसके बाद क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो CH3 लिख दिया हमने। ये इस ऑक्सीजन के पर माइनस चार्ज देखते ही तुरंत क्या होगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई जैसे ही हाइड्राइड आयन जुड़ेगा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, वैसे ही बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पर आएगा नेगेटिव, और ये तुरंत अगर आपने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो Na प्लस आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पर, अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ पर K प्लस आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक। तो सपोज मेरे दोस्त कि आपने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका CH3 और इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है सोडियम और ये बना लेता है बेस एक तरह से, ठीक है। तो CH3ONa और एसिड बन गया, ठीक है। अब ये कौन सा एसिड है, ये फार्मिक एसिड है, इसे आप देखोगे तो HCOOH, इसे हम बोलते हैं फार्मिक एसिड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से फार्मिक एसिड, एंड ये बन गया हमारे पास अल्कोहल टाइप का, यहाँ पर सोडियम लेकिन इसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो ये बेस की तरह कार्य करेगा और ये कार्य करेगा एसिड की तरह, ठीक है। अब यही ये जो बेस है आपको ये लास्ट में कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखिए, या फिर आपको या फिर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, ठीक है। अब कैसे हुआ, देखिए ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, एसिड का काम क्या होता है अपने एच प्लस को लूज करना, तो ये अपना एच प्लस लूज करेगा एच प्लस के रूप में, ठीक है, और बेस का कार्य क्या होता है यहाँ पर, क्या ये अपना Na प्लस लूज कर देगा, ठीक है, ये Na प्लस यहाँ पर जैसे लूज करेगा, इसमें सपोज इसमें आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो H प्लस है ये ले लेता है ये वाला, ये CH3O वाला H ले लेगा, ठीक है, इसे H की, इसे हाइड्रोजन की जरूरत है और इसे सोडियम की, और आप देखो तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, सो दैट्स व्हाई ये आयनिक बॉन्ड इसके बीच बना है, जो कि कमजोर बॉन्ड होता है, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये जो सोडियम है ये टेक कर लेगा ऊपर एसिड, और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये ले लेता है ये पर CH3OH, यहाँ पर बना लेगा CH3OH जिसे हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, और ये बना लेता है फॉर्मेट, और कौन सा फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो फाइनली क्या मिला हमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिल गया, दूसरी तरफ अल्कोहल मिल गया, इसका हो गया यहाँ पर एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और इसका हो जाता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th प्लस 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।